आल सिंध मुबारक अली मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल लतीफाबाद अफजल ग्राउंड में खेला गया, जो कि मुबारक अली स्पोर्ट्स गुलशन इलाही स्पोर्ट्स के माबेन हुआ। चल जोश दिखाते तू और बजा बजा दे तू, मैदान सजाते तू ये खेल दीवानों का। चल जोश दिखाते तू और बजा बजा दे तू, मैदान सजाते तू। इस मौके पर पहले सेमीफाइनल के चीफ गेस्ट और दीगर खिलाड़ियों ने H22 न्यूज़ से गुफ्तगु करते हुए कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं हैदराबाद के उन लेजेंड खिलाड़ियों को जिनकी काविशों से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करा, और हैदराबाद केबल कम्युनिकेशन का जो भरपूर ताउन रहा इस टूर्नामेंट को मुनक्किद करने के सिलसिले में। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद ज़ाहिर भाई को भी पेश करता हूँ जिन्होंने जिनका बहुत अहम रोल है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में। देखें जी, मुबारक भाई का एक बहुत बड़ा नाम है खेलों के हवाले से हैदराबाद में। उन्होंने एक बीच बुआ था हैदराबाद के लिए, हैदराबाद के खेलों के लिए, जो कि आज एक दरख्त बनने जा रहा है जिसमें ओल्ड लेजेंड और हैदराबाद कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। हम इसको भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हैं और आने वाले दिनों में भी हम उम्मीद ये करते हैं कि इस तरीके के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे, इससे हमें अच्छा खेल और अच्छे खिलाड़ी पाकिस्तान को मिलेंगे। आज आपने जैसे देखा कि भरपूर क्राउड ग्राउंड में मौजूद था, पहला सेमीफाइनल इख्तिताम पसीर हुआ, अब दूसरा फाइनल सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। हमारे भरपूर इंतजाम मुकम्मल हैं इस फाइनल को हैदराबाद के अंदर लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। हैदराबाद की तमाम क्रिकेट के शौकीन, तमाम पब्लिक जिनको क्रिकेट से प्यार है, वो यहाँ इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। हमें हज़ारों की तादाद में क्राउड यहाँ मुतवक्क है, हैदराबाद में यहाँ पे आएंगे। कराची से हमारे 24 के मेहमान भी यहाँ फाइनल के लिए आ रहे हैं और हमारे मेहमान खुसूसी तमाम हजरात यहाँ पहुँचेंगे। इंशाल्लाह इस इवेंट को हम पूरी कोशिश करेंगे कि हैदराबाद का सबसे बेहतरीन फ़ाइनल इसको हम करार दे रहे हैं, कि इससे अच्छा फाइनल नहीं कराया गया होगा कभी भी। लेकिन इसमें यह है कि हम मेरे क्राउड से गुजारिश है कि वो नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें और टाइम की पाबंदी करें। हमारा मकसद बचपन के साथियों में से था और उसने हमारी जो लाइफ उसके साथ गुजरी, क्योंकि वो डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन था और उसका स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ था, तो हमने उसके साथ क्रिकेट भी खेली, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ भी की, और वो एक इतना नफीस इंसान था कि हैदराबाद की क्रिकेट के अंदर एक हमारे लिए और शहर के लिए एक बड़ा जाना पहचाना नाम था, और उसने इसकी बड़ी खिदमत इस शहर के लिए। और फिर उसने मकसद बोर्ड की सतह के ऊपर और मकसद स्कूल कॉलेजेस की सतह पर ग्रास रूट लेवल पे उसने बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और उसने जो क्रिकेट के लिए मकसद जो स्पेशली काम किया, वो मकसद हैदराबाद शहर के लिए रहती इसका नाम कि दुनिया तक ये कायम दायम रहेगा। मैं सेमीफाइनल के लिए यही कहूँगा, बहुत अच्छा मैच था, हैदराबाद के बेहतरीन क्रिकेटरों के ऊपर आज ये मैच हुआ। और सेकंड कल जो मैच है वो भी कल बहुत अच्छा मैच है और परसों फाइनल इसका, तो मुबारक के लिए मैं हूँ जिस तरह उसका नाम था उसी तो उसका अख्ताम हो रहा टूर्नामेंट का। और इंशाल्लाह ताला ओल्डिस गोल्ड के ज़ेर एहतमाम और ज़ेर सरपरस्त ज़ाहिर अली भाई जो इसके सरपरस्त आला हैं इसके ओल्डिस गोल्ड के, तो मैं मुबारकबाद दूंगा इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर को ज़ाहिर भाई को और पूरी कमेटी को और आपको, कि जिस तरह आप लोगों को क्रिकेट को उजागर कर रहे हैं, जिस तरह प्लेयर्स के इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं दुआ गूँ इस चैनल के लिए कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आप लोगों को इंशाल्लाह तरक्की अता फरमाए आप जिस तरह काम कर रहे दिन। टूर्नामेंट के रूह रवा मोहतरम ज़ाहिर अली की जानिब से चीफ गेस्ट और खिलाड़ियों में सिंधी रिवायती अजरक भी तोहफे में पेश की गई और जीतने वाले खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच भी दिए गए।